गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 5.2 पार्ट सेकंड, टॉपिक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट A1, A2, A3 from AP where AN is defined as follows. Edge below also find the sum of the first 25 terms in each case first an is equal to 3 plus 4n, second an is equal to 7 minus 3n. 25 टर्म का सम निकालना है इसमें हमें, ए एन आप ये पहले भी कर चुके हैं, हम पुट कर देंगे वैल्यू एन की 1, ए वन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 7, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15, ऐसे डैश 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 अपन इसको करते जाएंगे तो अपनी एक एपी बन जाएगी 7, 11, 15, जिसमें ए आ गया 7, डी 11 माइनस 7 4 और एन बोल रहा है 25 टर्म सम, तो एस एन का फार्मूला लगेगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 25 अपॉन 2, ए आपके पास 7, 25 माइनस 1 डी 4, तो ये हो जाएगा 25 बाई 2, 7 2 जब 14, 24 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ये 96, इसमें 14 ऐड हुआ तो 110, 55 टाइम ये कट गया, 1275 आंसर आ गया। ट्वेंटी फाइव फाइव जा 125, 12 कैरी, 125, 12, 137, 1375 आंसर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे हम। Thank you.
सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, ए एन इजिकल टू 7 माइनस 3 एन, पुट करेंगे एन की वैल्यू 1, ए 1 7 माइनस 3 इंटू 1 4, 2 पुट करेंगे ए 2 7 माइनस 3 इंटू 2 7 माइनस 6 1, ए 3 7 माइनस 3 इंटू 3 7 माइनस 9 माइनस 2। तो ये आपके पास अपने एक ए पी बन के आएगा, तो ए पी जो बनेगा वो बनेगी 4 1 माइनस 2, ए फर्स्ट टर्म ए 4d 1 माइनस 4 माइनस 3 n 25। एस एन का फार्मूला लगा देंगे, n बाई 2 टू ए एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 25 रखेंगे, ए 4 25 माइनस 1, डी की वैल्यू -3, 25 माइनस 2 8 प्लस 24 इंटू -3 72 माइनस में होगा माइनस के आएंगे 64, 2 से कटेगा -32 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -32 इंटू 25 50 हो गया 75, 800 ये आपका सॉल्यूशन हो गया, दोनों पार्ट हो गए इसके। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, ऑफ एन ए पी हूज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। फिफ्टी वन टर्म का सम फाइंड करना है एपी का, तो एन 51 आ गया हमारे पास, और सेकेंड टर्म बोलते ही हमारे दिमाग में ए टू आ जाता है, और ए टू होता है ए प्लस डी, वो 14 है,
थर्ड टर्म बोलते हैं, हमारे पास आएगा ए थ्री, वो होगा ए प्लस टू डी, वो 18 है। इनको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, माइनस डी माइनस फोर, डी की वैल्यू फोर पुट कर देंगे, डी इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस फोर इज इक्वल टू 14 माइनस फोर 10 आ गया, ए की वैल्यू 10, डी 4 ए 10 और एन 51। इससे एसएन लगाएंगे हम, ए आ गया 10, डी आया 4 और एन आया 51। एसएन एन बाय 2 टू ए, एन माइनस 1 इंटू डी, एस 51 अपॉन 2 टू ए, 51 माइनस 1 डी 4, 20 प्लस 50 इंटू 4, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 में 20 को ऐड कर दिया, 110 बार कैंसिल, 5610 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th डन। क्वेश्चन 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ओपन ए पी आर 17 एंड 350, 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज नाइन, हाउ मैनी टर्म आर देयर दैट व्हाट इज देयर सम, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म होंगी और उनका सम कितना होगा, ये हमें बताना है। ए पी है, उसकी फर्स्ट टर्म दे दी है, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, लास्ट टर्म को ए एन भी कहते हैं, टी एन भी कहते हैं, एल भी कहते हैं, वो 350, कॉमन डिफरेंस डी 9, ए एन का फार्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 350
A17 एंड फाइंड करना है D9। 350 माइनस 17 333 9 का डिवाइड 9 3 27 37 में 1 ऐड हो गया, n की वैल्यू आ गई 38। उनका सम पूछ रहा है, Sn लगा देंगे n बाई 2 a प्लस l। n अभी अभी निकाला 38 बाई 2 a 17 19 टाइम 367 मल्टीप्लाई कर देंगे 4970 4970 6973 सॉरी 3 3 6 6973 6973 आंसर क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन द नंबर 1 से 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल हमारे को निकालना है। फर्स्ट तो ओड नंबर लिखेंगे, तो ओड नंबर जो आपके आएंगे वो आएंगे 1 3 5 7। अब 3 से डिविजिबल, उसमें फर्स्ट 3 आएगा, 6 आ ही नहीं सकता क्योंकि वो इवन है, देन 9 15 फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन निकालेंगे, उससे हम एन निकालेंगे, ए एन 999 3 डी 9 में से 3 का 6 ये 996 6 का डिवाइड 6 1 6 6 6 1 ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 167 आ जाएगी। n की वैल्यू 167 आ गई। अब हमें निकालना है Sn। हम Sn निकालेंगे, एंड देयर व्हाट इज देयर सम Sn n बाय 2 a प्लस l 167 बाय 2 a 3
एल 999 1002 500 वन टाइम मल्टीप्लाई 167000 7668 3667 आंसर। इसको आप ढंग से कर लेंगे 8366 आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फर्स्ट अमाउंट एपी इज 8, फर्स्ट टर्म इन एन एपी इज 8, एपी की फर्स्ट टर्म 8 दे दी है एंड nth टर्म इज 33 एंड nth टर्म इज 33 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज and sum of first n term is 123, then find common difference एंड एन एन और डी फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दे दिया आपको, सॉल्यूशन करेंगे ए गिवन है 8, एंथ टर्म मतलब ए एन गिवन है, इसको एल भी कहते हैं, टी एन भी 33, सम एस एन भी गिवन है, डी फाइंड करना है और एन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन 33, ए 8, एन माइनस वन, डी भी नहीं है, ये आपका 25 एक्स फर्स्ट इक्वेशन, एस एन एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इन टू डी, एस एन गिवन है 123, एन बाई टू ए गिवन है 8। अब यह ध्यान दीजिए एन माइनस वन इन टू डी और ये भी एन माइनस वन इन टू डी, इसकी वैल्यू 25 रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये बन जाएगा 123 इज इक्वल टू एन बाई टू 16 प्लस 25, 123 एन बाई टू 41, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 41 का डिवाइड चला जाएगा, 3 2 जा 6, एन की वैल्यू 6,
एन सिक्स आ गया डी, इसमें पुट कर देंगे, पुट एन इज इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन फर्स्ट 25 सिक्स माइनस वन इंटू डी, फाइव डी तो 5 आ गया, डी की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हो गया। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ रुपीज 280 इज टू बी यूज्ड, ए सम ऑफ रुपीज 280 इज टू बी यूज्ड used to give 4 each prizes, give 4 cash prizes to student of a school, टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है। इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। सम आपको SN गिवन हो गया, टू बी यूज टू गिव 4 प्राइज, 4 एन भी आ गया, 4 स्टूडेंट ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ईच प्राइज 20 लेस देन, तो डी भी आ गया माइनस 20। फाइंड सारे 4 प्राइज फाइंड करने हैं, तो फाइंड करना है आपको ए
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी, ये आपको फाइंड करने हैं चार प्राइज। एस एन का फार्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन टू ए टी, ए की वैल्यू नहीं पता, एन फाइंड है आपके पास फोर, डी पता है माइनस ट्वेंटी, टू टाइम कैंसिल, थ्री इंटू माइनस ट्वेंटी, टू एटी में टू का डिवाइड, वन फोर्टी टाइम कैंसिल, वन फोर्टी प्लस सिक्सटी, टू हंड्रेड में टू का डिवाइड, तो ए की वैल्यू हंड्रेड आ जाएगी। तो यहाँ आंसर बनेगा ए इज इक्वल टू हंड्रेड, ए प्लस डी, हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एटी, पहला प्राइज ये आ गया। सेकंड ये ए प्लस टू डी, हंड्रेड माइनस टू इंटू ट्वेंटी हो गया सिक्सटी, ए प्लस थ्री डी, हंड्रेड माइनस टू इंटू थ्री इंटू ट्वेंटी, ये चार प्राइज होंगे हंड्रेड एट्टी सिक्सटी फोर्टी। लास्ट एंड फाइनल टेंथ क्वेश्चन, आज के यहीं करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे, टाइम काफ़ी हो गया। ओके, बाय, गुड बाय, नाइस डे।